आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का मिजाज, आने वाले दो दिन किस तरह का रह सकता है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं सोमवार 25 दिसंबर और मंगलवार 26 दिसंबर को मौसम का पूर्वानुमान किस तरह का रह सकता है। सबसे पहले हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। वैसे मौसम विभाग के सूत्रों ने एक जो जानकारी दी है उस हिसाब से मौसम का पूर्वानुमान जो उनके द्वारा बताया गया है, नए साल में बहुत कड़ाके की सर्दी, नए साल के आगाज में सिवनी वालों को शायद ही झेलनी पड़े। जिस तरीके का मौसम फिलहाल चल रहा है उसी तरह का मौसम आने वाले 31 दिसंबर तक रहने की उम्मीद, और 31 दिसंबर के बाद इसी तरह का मौसम 2 तारीख 3 तारीख तक रहने की उम्मीद, 4 तारीख को हल्की फुल्की बूंदाबांदी की उम्मीद भी, बूंदाबांदी के संकेत भी मौसम विभाग के सूत्रों ने दिए हैं। अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। रात 12 बजे 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग जिले भर में 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद, अर्थात बहुत ज्यादा सर्दी महसूस शायद ही हो पाए। सुबह 5 बजे सोमवार 25 दिसंबर को सुबह 5 बजे तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा सर्द रात शायद इसे हम नहीं कहेंगे। 8 बजे सुबह 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, 10 बजे के बाद तापमान में थोड़ा सा इजाफा होने की उम्मीद, और दोपहर 1 बजे के लगभग 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। सोमवार को शाम 6 बजे 20 से 23 डिग्री सेल्सियस जो तापमान उतर जाता था वो तापमान अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहने की उम्मीद। रात 9 बजे 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। अब 26 दिसंबर को किस तरह का तापमान रह सकता है ये हम आपको बताते हैं। 26 दिसंबर को सुबह सवेरे 5 बजे कहीं कहीं 11 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम जगहों पर, 11 ग्रामीण इलाकों में जहां बहुत खुला इलाका है वहां कहानी, और कुछ ग्रामीण इलाकों में 11 डिग्री, बाकी जगहों पर 12 से 13 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। इसके उपरांत 10 बजे के लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 3 बजे दिन में मंगलवार 26 तारीख को 3 बजे दिन में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 8 बजे रात को 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है, और 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब इसके उपरांत हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं हल्की फुल्की चलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। थोड़ी देर में ही हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, अर्थात थोड़ा सा हवाओं की दिशा में बहुत ही हल्का सा अंतर आने की उम्मीद, और ये माना जा सकता है कि हवाएं थमी रह सकती हैं, हवाओं में बहुत ज़्यादा हवाओं की गति रहने की उम्मीद नहीं। सोमवार को भी बहुत ही हल्की फुल्की हवाएं, शाम 5 बजे के लगभग हल्की फुल्की हवाएं सोमवार को उत्तर से दक्षिण की ओर चल सकती हैं, अर्थात उत्तरी हवाएं, सर्द हवाएं आ सकती हैं जो थोड़ा सा सर्दी का एहसास करा सकती हैं। 12 बजे रात के बाद भी स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी रह सकती है, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलने की उम्मीद नहीं। दिन में भी 26 दिसंबर को दिन में हल्की फुल्की हवाएं चल सकती हैं 3 बजे के बाद, और उसके बाद हवाएं लगभग थमी रहने की ही उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। क्लाउड्स किस तरह के रह सकते हैं, बादल किस तरह के रह सकते हैं, इसके बारे में अब हम आपको इसके उपरांत बताते हैं। रात 12 बजे रविवार और सोमवार 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग बादल नहीं के बराबर ही माने जा सकते हैं। सुबह 5 बजे
घनसौर के से अगर आप पूर्व की ओर मंडला की ओर जाएंगे, नारायण नगर की ओर जाएंगे, तो वहां कहीं हल्के फुल्के बादल दिखने की उम्मीद, और इसके बाद बादल बहुत ही कम आसमान पर रहने की उम्मीद। 25 दिसंबर सोमवार का ये हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को सुबह 5 बजे के लगभग घनसौर बरेला यहाँ कुछ बादलों की आवाजाही दिख सकती है कुछ समय के लिए। हवाओं के साथ बादल भी यहाँ से विदा हो सकते हैं। लो क्लाउड्स के बारे में बता रहे हैं, जो क्लाउड्स नीचे रह सकते हैं, जो बादल नीचे रह सकते हैं, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये 12 बजे रात तक इस तरीके की नजारा रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता देंगे, महेश रावलानी के द्वारा लगभग 1.5 दशक से जो भी मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी पूर्वानुमान आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो 95 से 99% तक सही साबित होता आया है। महेश रावलानी की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मौसम का पूर्वानुमान एक बार फिर हम लेकर हाजिर होंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।